Subscribe to Zoom and click on the bell icon for the latest updates. नाम शबाना मतलब नीरज के साथ योर रिलेशन इज अमेजिंग वी नो दैट यू हैव डन अ फिल्म उनके साथ पहले बट एक पूरी फिल्म लाइक योर कैरेक्टर नेम ये कभी पहले नहीं हुआ है ये पहली बार नीरज पांडे सर का आई थिंक इज द आई हैव ऑलवेज से आई हैव एक्सट्रैक्टेड द बेस्ट उनमें से बिकॉज़ इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स कैरेक्टर क्योंकि अभी तक उनकी सारी फिल्मों में मैं हमेशा उनको ओपनली मुंह पे शिकायत करती थी कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या लड़कियों से मतलब इतने ऐसे छोटे छोटे से रोल लिखते हैं आप बट आई थिंक अगर ये पिक्चर नहीं भी होती इससे पहले भी बेबी में चाहे मेरा छोटा रोल था बट मुझे लगता है अब तक कि उनकी सारी फिल्मों में जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो 15 मिनट का रोल भी बहुत भारी था कंपेयर टू द अदर कैरेक्टर्स उसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म लिख डाली तो आई थिंक उन्होंने सारी मेरी जो गिले शिकवे सबके सब वो बैलेंस आउट कर दिया इस पिक्चर के साथ विथ नाम शबाना और अब मैं लेफ्ट देखूंगी नाम शबाना घर पे शबाना नाम शबाना 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 छाई हुई है इनकी लाइफ के अंदर जगह इनकी मनोज वाजपेयी की लाइफ में छाई हुई है तो सर 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 शबाना ने जो है ना मेरी जिंदगी हराम की हुई है शबाना वाज वाचिंग बोथ शबानास देख लो मैम व्हाट इज व्हाट ऑल दिस सेइंग प्लीज यू टेक केयर ऑफ दिस यू नीड टू हैंडल हिम एट होम या नहीं अब क्या बोलूं मैं इससे सीरियस हुआ नहीं जा रहा हूं उससे एंट्री अच्छी मिल जाती है पहले इनका ऑरा एंटर करता है फिर मनोज बाजपेयी एंटर करते हैं रूम में और उसके बाद सबको जो है बर्बाद करके छोड़ देता है कुछ देर में बट नाम शबाना कैसे डिसाइड किया हमें ये भी पता है कि बेबी का स्क्रिप्ट आल्सो केम टू यू नीरज के साथ में दोस्ती इतनी अच्छी है कि वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और मुझे कहते हैं कि आप ले जाओ जरा पढ़ के बताओ मुझे So cool. Yeah. जो पढ़ के मतलब हम all of us have this liberty. कि दे दो आज आज किसका टर्न है? तो वो मैं अपनी ओपिनियन फिल्मों के बारे में जो है that's very gracious of him. कि अपनी फिल्म लिख करके मुझे देते हैं पढ़ने के लिए और मेरी मुझसे बातें करते हैं बट आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ इट बट दैट वॉज इनफ फॉर मी तो आई देन आई स्टार्टेड यू नो थिंकिंग कि विच रोल आई शुड डू ये जो फोन पे जो बंदा बात करता है ना ये फोन पे बंदा बात करता है ये जो है ना सही है क्योंकि फोन पे ही रहता है और उसकी आवाज आती रहती है तो सेकंड ड्राफ्ट आया सेकंड ड्राफ्ट में मुझे ये एहसास हुआ कि जो फोन पे बंदा बात करता था वो दिखने भी लगा था अच्छा ओहो मैंने कहा ये तो बढ़िया है तो काफी बड़ा रोल हो गया ये तो जो रोल मैंने सोचा था कि सिर्फ फोन पे आवाज आएगी वो बाद में फुल फ्लेज्ड रोल हो गया उसके बाद